और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको प्लस नंबर का चश्मा अभी अभी लगा है, या वे बच्चे जो कि प्लस नंबर का चश्मा लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया पर पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको प्लस नंबर का चश्मा अभी अभी लगा है, या वे बच्चे जो कि प्लस नंबर का चश्मा लगाते हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे कि वे अपने प्लस नंबर के चश्मे के नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्लस नंबर के चश्मे को सस्टेन भी कर सकते हैं। वे लोग जो 40 प्लस एज के हैं या वे लोग जिनको प्लस नंबर का चश्मा उनके आई स्पेशलिस्ट ने अभी अभी प्रेस्क्राइब करके दिया है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज मैं हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और इस एक्सरसाइज को बड़ी इजीली किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर सकते हैं। और बच्चों में तो इस एक्सरसाइज के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। वे बच्चे जो कि प्लस नंबर का चश्मा लगाते हैं और 10 साल की एज से नीचे हैं, उन बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने पर उनके प्लस नंबर के चश्मे को हटते हुए भी देखा गया है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से अपने थंब को लेना है और थंब को अपनी आई से लगभग 10 इंच के गैप पर रखना है और इस थंब के ऊपर अब आपको आई के फोकस को कॉन्सेंट्रेट करना है। 15 से 20 सेकेंड आपको इस थंब के ऊपर फोकस को कॉन्सेंट्रेट करना है। अब उसी रूम में सामने की वॉल जो कि 10 से 12 फीट की दूरी पर हो, अपने फोकस को इस थंब से वहाँ शिफ्ट करते हुए और उस वॉल पर लेके जाना है और वहाँ पर 15 से 20 सेकंड आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लगातार देखते रहना है। उस ऑब्जेक्ट पर 15 से 20 सेकंड देखने के बाद में फिर से धीरे धीरे इस फोकस को वहाँ से हटाते हुए आपको वापस इसी थंब के ऊपर लेके आना है और फिर वापस इसी थंब के ऊपर इस फोकस को 15 से 20 सेकंड के लिए कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप थंब के ऊपर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को फोकस करें, जैसे कि आप थंब के नेल को फोकस कर सकते हैं। इस फोकस को आप मेंटेन करें। थंब की दूरी आई से लगभग 8 से 10 इंच की दूरी पर रहेगी और उसके बाद में धीरे धीरे वापस इस थंब को आप यहाँ से हटा लें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 5 रिपीटेशन में कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 बार परफॉर्म करते हैं तो आपके आई मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हमारे आई के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती है, हमारी आई के लेंस के फोकस करने की कैपेसिटी भी मेंटेन रहती है और हमारा विजन सस्टेन होता है। ये एक्सरसाइज हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट्स या जिन्हें प्लस नंबर का चश्मा दिया गया है उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वे लोग जो कि 40 प्लस एज ग्रुप के हैं और जिनको उनके आई स्पेशलिस्ट ने अभी अभी प्लस नंबर के ग्लासेस प्रेस्क्राइब किए हैं, या वे बच्चे जो कि अभी 10 साल से कम उम्र में हैं और प्लस नंबर के ग्लासेस यूज़ करते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपनी डेली रूटीन में उन लोगों को ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए और एक्सरसाइज के एक सेट में इसे 5 बार करना चाहिए। यानी कि आप इस एक्सरसाइज को 20 सेकंड थंब पर फोकस करेंगे, फिर 20 सेकंड वॉल पर फोकस करेंगे और 20 सेकंड वापस थंब पर फोकस करेंगे, यानी कि एक सेट को परफॉर्म करने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में आंखों में दर्द महसूस होता है या आपको हल्का चक्कर जैसा लगता है तो आप इस एक्सरसाइज के रिपीटेशन में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं, यानी कि एक रिपीटेशन को परफॉर्म करने के बाद, यानी कि 1 मिनट के बाद में आप फिर 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद में फिर से वापस इसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वे लोग जो इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं उन लोगों में इस एक्सरसाइज को करने के बाद में उनके विजन में सस्टेनेबिलिटी देखी गई है, उनका विजन सस्टेन हो जाता है। और वे लोग जिनको अभी अभी ही प्लस नंबर के ग्लासेस प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वे लोग अपने ग्लासेस के नंबर को रिवर्स करने में भी कामयाब होते हुए देखे गए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में इसके अच्छे रिजल्ट्स मैंने भी देखे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लस नंबर के आई ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और इस एक्सरसाइज को लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए ज़रूर करें।
हालांकि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको 8 से 10 दिन के बाद में ही दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि इस एक्सरसाइज को आप लंबे समय तक ज़रूर परफॉर्म करें ताकि आपको आगे भी बेटर रिजल्ट मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप हमसे जुड़े हुए रह सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।